फाइनली आई हैव बीन वैक्सीनेटेड, फाइनली मैंने भी वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है और मैंने लिया है कोवैक्सीन। अब देखिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों के मन में यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर डर बना हुआ है और बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी अफवाहें यहाँ पर फैल रही हैं। उन सभी रूमर्स और उन सभी डर को आपको दरकिनार करते हुए वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाना है। जब भी आप वैक्सीनेशन करवाने जाएँ तो वैक्सीनेशन से पहले कुछ ब्रेकफास्ट करके ज़रूर जाएँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इतना सा ध्यान रखना है और बाकी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मैंने भी आज सुबह अपना वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है और अभी तक मैं बिल्कुल सही हूँ और ऐसा कोई भी यहाँ पर सिम्टम मुझे नज़र नहीं आ रहा जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और कुछ लोगों को यहाँ पर हल्का सा माइल्ड यहाँ पर फीवर हो सकता है, माइल्ड यहाँ पर हेडेक हो सकता है, बाकी इसके अलावा आपको किसी भी तरह का सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। वैक्सीन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बेनिफिट के लिए ही है और हमारी ज़िंदगी के लिए ही वैक्सीन बना है, तो इसीलिए जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन गलत है और या जिन लोगों को वैक्सीनेशन पर भरोसा नहीं है, तो उन लोगों को मेडिकेशन, दवाइयों पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को दवाइयाँ लेना भी बंद कर देना चाहिए। पहली बात तो मेरा उन लोगों से सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे तो उन्हें किसी भी तरह की दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, अगर आप वैक्सीनेशन जितना जल्दी करवाएंगे उतना जल्दी हमारा देश, हमारी कंट्री पटरी पर आ पाएगी, यानी कि हमारी ग्रोथ हो पाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे पेंडेमिक स्प्रेड करता है तो हमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। छोटे छोटे जो रोजगार होते हैं, छोटे छोटे जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, छोटे छोटे धंधे होते हैं, छोटे छोटे जो दुकानें होती हैं, उन्हें कितना कुछ फेस करना पड़ता है लॉकडाउन की वजह से। उनकी पूरी की पूरी जो इनकम है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है यहाँ पर। तो अगर आप जितना जल्दी यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हम मास्क फ्री भी यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकते हैं, यानी कि हम 2019 वाली सिचुएशन में पहुँच सकते हैं जितना जल्दी हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर वैक्सीनेट हो जाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम और हमारी सोशल सिस्टम की ग्रोथ के लिए आप सभी लोग प्लीज़ जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कर लें। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है।